जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग आर्क फाइनेंस कंपनी के राइट इशू के बारे में बात करेंगे। राइट इशू अभी ओपन हो गया है, कुछ समय और बाकी है, उसके बाद ये राइट इशू क्लोज हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे कि अभी तक ये कितना सब्सक्राइब हुआ, इस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो लोग इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उन्हें क्या करने की जरूरत है कि नुकसान नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं राइट इशू में जो अप्लाई करता है और जो नहीं करता है, दोनों यदि समझदारी से काम नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान होने के भरपूर चांसेस होते हैं। कैसे, चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि ये जो राइट इशू है ये ओपन हो गया है 21 अक्टूबर से, और अभी ओपन रहेगा 18 नवंबर तक। यानी कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 18 नवंबर तक का टाइम है। आराम से आप नेट बैंकिंग के थ्रू, यदि किसी भी बैंक का आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके थ्रू राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं आप इसके लिए इंटरनेट पर वीडियो देख सकते हैं, या अपने नेट बैंकिंग जिस भी बैंक का है उसके कस्टमर सपोर्ट से बात करके आप इसमें चाहें तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब समझिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इस राइट इशू में अप्लाई नहीं करना चाहता, तो सबसे पहले उसे करना क्या है कि 12 नवंबर का डेट याद रखना है, 12 नवंबर। और यदि वो व्यक्ति एलिजिबल है तब, जैसे जो व्यक्ति 9 अक्टूबर से पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाई किए होंगे, सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल है इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, या उसी व्यक्ति को इस कंपनी के जो आरई शेयर्स हैं वो राइट एंटाइटलमेंट के शेयर मिले हैं, दूसरे किसी व्यक्ति को भी आरई शेयर्स नहीं मिले होंगे। तो जिस जिस व्यक्ति को आरई शेयर्स मिले हैं यदि नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा कि 12 नवंबर के पहले अपने आरई शेयर्स को, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आए हैं, उसको बेच दीजिएगा। यदि आप बेचेंगे तो आपको 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से प्रति शेयर फायदा हो जाएगा, और अगर नहीं बेचेंगे तो 12 नवंबर के बाद क्या होगा, या जब ये इशू क्लोज होगा तो जो एक्स्ट्रा आरई शेयर्स आपको मिले हैं आपके डीमैट अकाउंट में, जितने भी मिले हैं वो डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 12 नवंबर के पहले इस आरई शेयर्स को, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं, उसको बेच दीजिएगा, तो आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 नवंबर तक का डेट है, जैसे मैंने बताया नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। तो अप्लाई करेंगे तो आपको 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है उसको बाई करना होगा। और अप्लाई करने से फायदा क्या होगा, पहला फायदा तो ये होगा क्योंकि मार्केट भाव से कम प्राइस में, देखिए यहाँ पे आपको आरई शेयर्स मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट भाव से कम प्राइस पे आप एक्स्ट्रा शेयर्स बाई करेंगे तो आपका जो एवरेज प्राइस है तो एवरेज प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा भी जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होने लगेगा। मेन चीज यही होता है राइट इशू में, तो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है शेयर्स की जब आप अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि आपके पास ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे। दूसरा, ज्यादा शेयर्स होगा तो एवरेज प्राइस भी यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि आप कम प्राइस पे, मार्केट भाव से कम भाव पे शेयर्स को बाई कर रहे हैं। तो ये सब बेनिफिट होते हैं अप्लाई करने के। आपको इसमें यदि शेयर्स होल्डर है इस कंपनी के तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। बहरहाल नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, मन नहीं है, तो आप इस कंपनी के शेयर्स को 12 नवंबर के पहले जो आरई शेयर्स है उसको जरूर बेच दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लोग एक गलती और करते हैं कि मार्केट में अलग से राइट इशू के आरई शेयर्स मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 9 अक्टूबर के बाद इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया होगा तो जाहिर सी बात एलिजिबल नहीं होगा राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, तो क्या करेगा, मार्केट में अलग से आरई शेयर्स मिलते हैं, मतलब अभी जो चूंकि ये ओपन है इसलिए अभी मिलेगा, तो आरई शेयर्स मार्केट में अलग से बाई कर लेंगे। हालांकि ये गलती नहीं करनी चाहिए, आरई शेयर्स मार्केट में अलग से बाई करेंगे फिर आप उसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ले दे के वर्तमान में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके बराबर आपका बाई प्राइस पहुंच जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई कीजिए जिसको कंपनी ने अलग से एक्स्ट्रा शेयर्स दिया है, जो एलिजिबल है सिर्फ वही अप्लाई करेगा। नहीं अप्लाई करना होगा तो 12 नंबर से पहले बेच देगा, अलग से आरई शेयर्स को बाई करके अप्लाई नहीं करना है। कैसे अप्लाई करना है मैंने वो भी बता दिया कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना है। बाकी आपको इस आरई राइट इशू से संबंधित मन में कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जुड़ के पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा दूर कर दूंगा। कुछ और भी जानना चाहते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड जरूर पूछिएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।